भगवान दास सबनानी ने कांग्रेस के कद्दावर नेता पीसी शर्मा को हराकर भोपाल की दक्षिण पश्चिम सीट में भाजपा का परचम लहरा दिया है। जीत के बाद सबनानी ने कहा, एमपी के मन में मोदी हैं और मोदी के मन में एमपी, इसी मंत्र ने भाजपा को विजयी बनाया है। मध्य प्रदेश में भाजपा की प्रचंड लहर में भगवान दास सबनानी ने पीसी शर्मा को 15,833 मतों से हराकर भोपाल की दक्षिण पश्चिम सीट पर कब्जा जमा लिया है। जीत का श्रेय भगवान दास सबनानी ने प्रधानमंत्री मोदी को दिया और कहा, एमपी के मन में मोदी है और मोदी के मन में एमपी, इसी मंत्र ने भाजपा को विजयी बनाया है। कांग्रेस के पीसी शर्मा को निशाने पर लेते हुए सबनानी ने कहा कि पीसी शर्मा के खाते में एक भी उपलब्धि नहीं है, उन्होंने शहर के लिए कोई काम नहीं किया, पीसी शर्मा की उपलब्धि जीरो है। भाजपा विधायक भगवान दास सबनानी हमारे साथ है, कैसी भाई साहब जीत क्या है, क्या कहेंगे, जीत का मूल मंत्र क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के हमारे केंद्र के जो नेतृत्व है, माननीय मोदी जी, माननीय अमित जी, माननीय नड्डा जी, उनका जो जिस तरीके से बात हमने सारी योजना बनाई कि एमपी के मन में मोदी और मोदी जी के मन में एमपी, तो इस मंत्र ने काम किया। देश के सबसे बड़े नेता, विश्व के नेता आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक भरोसा, एक उम्मीद जो जनमानस में रहती है वो तो थी ही, साथ में मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया और उस काम को नीचे उतारने के लिए जो मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने काम किया, इस सबको मिलाकर के ये निश्चित रूप से लगता था कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी। न केवल सरकार बनाएगी, एक बड़े अंतर के साथ हम मध्य प्रदेश में सरकार में लौटेंगे। और देखिए ऐसा ही हुआ, चुनाव हो गए, लोग अपने अपने ख्याली पुलाव पकाते रहे, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता ने उनको अवसर दिया जो वास्तव में जो कहते हैं वो करते हैं, उन्हें केवल करते हैं और ज्यादा करने का प्रयास करते हैं। तो इसको लेकर के एक सकारात्मक वोट, प्रो इनकम्बेंसी वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पड़ा और इसके कारण एक बड़ी विक्ट्री भारतीय जनता पार्टी को मिली। संगठन का भार था, उसके बाद बहुत कम समय के अंतराल में भी जीत गए, क्या कहेंगे? मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 365 दिन काम करता है, लगातार जनता के बीच में रहता है। प्रत्याशी कौन होगा ये बहुत मायने नहीं रखता, प्रत्याशी तय हो गया, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नीचे से काम कर ही रहा था, बूथ स्तर तक, पन्ना प्रभारी, पन्ना समिति, इतना सिस्टम बना हुआ था। और साथ में फिर मध्य प्रदेश की सरकार की जो योजनाएं हैं उसमें लाडली बहना का हम उल्लेख करना चाहेंगे, चाहे केंद्र की योजनाओं, आयुष्मान योजना से लेकर के मेरे इस क्षेत्र में इन योजनाओं के जो लाभार्थी हैं उनको लगा कि एक वास्तव में आम आदमी के साथ जुड़ी हुई पार्टी है, आम लोगों की चिंता करने वाली पार्टी है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी तरफ उनका ध्यान जाता है और भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया। इसके कारण समय कम भले मिला हो लेकिन कार्यकर्ता पहले से है, प्रत्येक बूथ पर है। तो बूथ विस्तारक योजना में हमने इस काम को जो किया था उसका लाभ हमको सीधा मिलता दिखा। पूर्व मंत्री थे, कार्य भी किया उन्होंने, कहां कमजोर पड़ गए आपके प्रति? पूर्व मंत्री थे इतना तो ठीक है, जो कार्य भी किया आपने, तो एक भी उपलब्धि उनके खाते में नहीं है। अब तो चुनाव हो गए, मुझे उसमें कहीं कोई कहने में वो गुरेज नहीं कि उनके खाते में एक भी उपलब्धि नहीं है कि उन्होंने शहर के लिए ये काम किया। आज भी 5 साल उनके बीच जाए, भोपाल विकास प्राधिकरण के वो अध्यक्ष रहे, पूर्व में भी वो विधायक रहे, तो उनकी उपलब्धि के नाम पर जीरो है, कुछ भी नहीं है। तो समय काटना ठीक है, शहर की सीटें यहाँ मिलना वहाँ मिलना, उपलब्ध होना लोगों के बीच में एक काम हो सकता है, उन उपलब्धता मेरी भी उनसे कहीं कम नहीं है, उपलब्धता है, लेकिन मैं इस मध्य प्रदेश की इतनी महत्वपूर्ण सीट को निश्चित रूप से कुछ देने का प्रयास करूंगा। अब तो देवयोग से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, कार्यकर्ता के पुरुषार्थ से, नेतृत्व के निर्देश पे, उनकी रणनीति पर, तो निश्चित रूप से सरकार का डबल इंजन, सरकार का लाभ मिलेगा और बड़ी योजनाएं लाने का काम, बड़े प्रोजेक्ट और क्या आ सकते हैं, इसके लिए मैं प्रयत्न करूंगा। और दक्षिण पश्चिम विधानसभा संगठन के नाते एक आदर्श संगठन की विधानसभा बने, ये मेरा प्रयास होगा। संगठन में जिम्मेदारी है, विधायक भी बन गए, क्या अब मंत्री पद के लिए? मेरी तरफ से मैंने विधानसभा के लिए भी बहुत प्रयत्न किए, बातचीत हुई, नेतृत्व ने जो मेरे से विषय छोड़ा कि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो मुझे लगा कि मेरे से ज्यादा संगठन का हमारा नेतृत्व विचार करता है। मैं महामंत्री बना, मुझे आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि मैंने बनवाया महामंत्री, किसी ने दावा नहीं किया, नेतृत्व को जो बेहतर लगता है, इसलिए हमारा कंसंट्रेशन सिर्फ काम पर होना चाहिए, जो संगठन ने काम दिया हम उसको काम को करें, तो काम करने के बाद निश्चित रूप से नेतृत्व
कार्यकर्ताओं को अवसर देता है और अवसर देता है, उस अवसर को आप किस तरीके से भुना पाते हैं, कितना आप कर पाते हैं ताकि आपको और बड़ी जिम्मेदारी मिले। तो मुझे लगता है कि प्रदेश का महामंत्री भारतीय जनता पार्टी पर छोटा काम नहीं होता, बहुत बड़ा काम होता है। उस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए आज पार्टी ने कार्यालय प्रभारी की जिम्मेदारी दी, बीच में संभाग इंदौर जैसे संभाग का प्रभारी रहा, आज विधानसभा का टिकट दिया। एक चूंकि कांग्रेस 5 साल से उस क्षेत्र में थी, उसकी सक्रियता थी, बाद इसके कार्यकर्ता के परिश्रम पर और नेतृत्व के एक जो उन नेतृत्व के प्रति एक सकारात्मक भाव पूरे देश की और प्रदेश की जनता का है, उसका लाभ भी हमको मिला है और इसके कारण ये जीत हमको मिल पाई है। तो ये थे हमारे साथ भगवान दास समदानी, जो कह रहे हैं कि सीट नेतृत्व जो जिम्मेदारी देगा मैं उसे पूर्ण तरीके से निभाऊंगा। कैमरामैन अमन के साथ शक्ति भारती, भोपाल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।